भारत सरकार ने इस साल 13 मई से गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं का पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और इसकी कीमतों पर लगाम लगाकर रखने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा था कि इसके बाद भी पड़ोसी देशों समेत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन्हें इसकी बेहद जरूरत है। वहीं पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के कुछ नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत को मुस्लिम देशों खासकर खाड़ी देशों में विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ खाड़ी देशों से तो ऐसी भी खबर आई है कि वहां भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की के द्वारा भारतीय गेहूँ को सड़ा बताए जाने के बाद परिस्थितियाँ कुछ और प्रतिकूल हो गई हैं। हालांकि इसके बाद भी ताज़ा ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने के लिए कई देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। ये मांग ऐसे समय में आ रही है जब भारत ने भी कई अन्य देशों की तरह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं व चीनी समेत खाने पीने की चीज़ों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। वहीं फूड सिक्योरिटी सुधांशु पांडे ने बताया कि भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इसके अलावा भारत सरकार को लेकर आए कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर भी विचार कर रही है। गेहूं के आटे के निर्यात पर पाबंदियों को लेकर पांडे ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजरें बनाए हुए हैं और सही समय आने पर कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और इसकी कीमतों पर लगाम लगा कर रखने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा था कि इसके बाद भी पड़ोसी देशों समेत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन्हें इसकी बेहद जरूरत है। वहीं बता दें कि फूड मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस बारे में मीडिया को बताया, हमें कई देशों से गेहूं के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और अभी उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। हालांकि बता दें कि देशों का नाम नहीं बताया है जिन्होंने भारत से गेहूं की मांग की है। वहीं बता दें कि कुछ देशों के लिए गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी जा चुकी है। उदाहरण के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश को 1.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है। उन्होंने बता दें कि चालू वित्त वर्ष में 14 जून तक भारत ने 29.70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इस अवधि में 2.59 लाख टन गेहूं के आटे का भी निर्यात किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था के बारे में भी बातें की गई। उन साथ में अब तक सिर्फ एक राज्य असम ने ही इसे लागू नहीं किया था, अब असम भी इसे लागू कर चुका है और इसके साथ ही गरीबों को सब्सिडी पर अनाज देने की व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है। इससे पहले ऐसी खबर आ रही थी कि भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूँ के लिए रिक्वेस्ट मिले हैं। वहीं खबरों में बताया गया था कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यवन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। सरकार गेहूं की उनकी ज़रूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से छिड़ी जंग ने दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक में शामिल हैं। लड़ाई के चलते उनका निर्यात बाधित हुआ है और कई देशों के सामने गेहूं की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच गेहूं के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर 13 मई को पाबंदी लगा दी। इसने पहले से उपस्थित संकट को और गंभीर बना दिया है। हालांकि भारत ने निर्यात पर रोक लगाते हुए कहा था कि वह पड़ोसी देशों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात करता रहेगा। वहीं जानकारों का कहना है कि भारतीय गेहूं की डिमांड के पीछे एक बड़ा कारण इसकी कम कीमतें हैं। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार कीमतें बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। भारत भले ही गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक है लेकिन इसके निर्यात के मामले में भारत काफ़ी पीछे है। भारत सामान्य तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा संयुक्त अमीरात, यमन, ओमान, कतर जैसे खाड़ी देशों को गेहूं बेचता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारतीय गेहूं के प्रमुख खरीदार हैं। आंकड़ों पर
गौर करें तो बीते साल भारत ने बांग्लादेश को 40.8 लाख टन गेहूं निर्यात किया। वहीं नोमूरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल गेहूं निर्यात 55.9% अकेले बांग्लादेश खरीदता है। इसके बाद श्रीलंका की 7.9%, संयुक्त अरब की 6.9%, इंडोनेशिया की 5.9%, यमन की 5.3% और फिलीपींस भी की 5.1% हिस्सेदारी है। इसी तरह भारत के गेहूं निर्यात में नेपाल की 3.8%, दक्षिण कोरिया की 2.4%, कतर की 1.7% हिस्सेदारी है। रूस अभी गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि भारत का इस मामले में 8वां स्थान है। रूस के अलावा यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना और यूक्रेन भारत से सबसे ज़्यादा गेहूँ निर्यात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।